नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में हड्डियों को मजबूत करने के लिए खान पान यानी डाइट के बारे में डॉक्टर अरुण कुमार ने जानकारी दिया है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिनों की कमी को पूरा करने वालों डाइट में फल, सब्जियों एवं ड्राई फ्रूट्स के बारे में जानकारी दिया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का स्पीच का विषय है हड्डियों को बनाना है मजबूत तो अपने खाने में शामिल करें ये चीजें, मिल सकते हैं कई फायदे। हम अपने को फिट रखने के लिए व्यायाम करते हैं, यहाँ तक कि कई लोग तो जिम भी जाते हैं, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि लोगों की हड्डियाँ कमजोर हो जाती है। जो लोग मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करते उनकी मांसपेशी और हड्डियाँ भी कमजोर देखी गई है। ऐसे में शाकाहारी लोगों के लिए हमेशा चिंता का विषय रहता है कि वो कौन सी ऐसी चीजों का सेवन करें जिससे उनकी हड्डियाँ मजबूत हो सके। तो चलिए हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप अपने रोज के खाने में शामिल करते हैं तो आपकी हड्डियाँ को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए सबसे जरूरी है कैल्शियम। सालमन मछली, डेयरी उत्पाद, बादाम, शलजम और चीज आमलेट द्वारा ये प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए सुबह नाश्ते में दही में बादाम और अंजीर मिलाकर खाए जा सकते हैं। हड्डियों तक कैल्शियम को विटामिन डी पहुंचाता है, इसके लिए दूध, दही, अंडे का पीला भाग, अंकुरित अनाज और संतरे का जूस आदि का सेवन किया जा सकता है। धूप लेने से विटामिन डी प्राप्त होता है जिससे हड्डियां मजबूत होती है, इसलिए रोजाना धूप लेनी चाहिए। पोटासियम कैल्शियम के स्तर पर कमी लाने वाले एसिड को निष्क्रिय करता है, इसके लिए आप आलू, पालक, केला, मशरूम, नारियल पानी समेत खट्टे फल खा सकते हैं, इससे आपके शरीर को पोटासियम मिल सकेगा। इसके अलावा हड्डियों के लिए प्रोटीन भी काफी जरूरी होता है, इसके लिए आप अंकुरित अनाज, दाल, अंडा, कलेजी, पालक आदि खा सकते हैं। इसके सेवन में आपको प्रोटीन की कमी नहीं होगी और आपको हड्डियों को मजबूत रहने में मदद मिल सकती है। अगर शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो तो हड्डियों में क्षरण की समस्या हो सकती है। इसको दूर करने के लिए आप बादाम, नाशपाती, हरी सब्जियां, दाल, अंकुरित अनाज का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी भी हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है, ये कोलाजन को मजबूती देने वाला कनेक्टिव उत्तकों के विकास में योगदान देता है। इसके लिए आप नींबू, टमाटर, मौसमी, आंवला, संतरा, कीवी, ब्रोकली और अमरूद का सेवन कर सकते हैं। हड्डियों को मजबूत बनाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी काफी अहम होता है, इसके लिए आप अखरोट, सोया उत्पाद, रोहू और सालमन जैसे तेलीय मछलियों और अलसी का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन के हमारे शरीर में ऑस्टियोकैल्सिन नाम के प्रोटीन के उत्पादन की क्षमता बढ़ाता है, इसके लिए आप ब्रोकली, परवल, अंडा, पालक और हरी सब्जियां, पत्ता गोभी और भिंडी खा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी हड्डियों को मजबूत होने में काफी मदद मिल सकती है। धन्यवाद, आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। ललिता कुमारी, गृहिणी और समाज सेवी ने आंवला के स्वास्थ्य फायदे के बारे में जानकारी दिया है। बड़े बुजुर्ग सलाह देते हैं रोज खाएं आंवला, स्वास्थ्य हमेशा ठीक होता है। जैसे पेट की चर्बी को कम यानी मोटापा कम करने के लिए, डायबिटीज, पाचन तंत्र क्रिया, त्वचा, कैंसर रोग रोकने के लिए, अल्सर के लिए फायदेमंद साबित होता है। स्वास्थ्य के लिए आंवला बेहद फायदेमंद है। आंवले में कैल्शियम से लेकर पोटेशियम और आयरन तक कई खनिज पदार्थ और विटामिन मौजूद होते हैं। अगर आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो आपको आंवला जरूर खाना चाहिए। आंवला आपके शरीर ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। आइए जानते हैं आंवले के कुछ बड़े फायदे। अगर आपको डायबिटीज है तो आंवला आपके लिए रामबाण है। यह आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। डायबिटीज के साथ ही आंवला आपके दिल के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आंवले में क्रोमियम बीटा होता है और जो कि दिल के लिए स्वस्थ रखता है। आंवला और के कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित रखता है। आंवला आपके दिल के साथ ही
हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है और ये अर्थराइटिस के जोखिम को भी कम कर सकता है। आंवला पाचन तंत्र के साथ ही आपके आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। आंवले का रस पीने से आपके आंखों की रोशनी बढ़ती है। आंवले में अमीनो एसिड भी होता है जो कि शरीर के मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने में मदद करता है, इसलिए वजन घटाने में भी आंवला सहायक होता है। अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों की वजह से आंवला त्वचा के लिए भी लाभकारी होता है। इसमें एंटी एजिंग गुण होते हैं जो कि चेहरे के कील मुहासे को हटाते हैं। आंवले में एंटी कैंसर गुण भी पाए जाते हैं। कई शोधों में दावा किया गया है कि आंवला कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकता है। इसके अलावा आंवला अल्सर की बीमारी में भी फायदेमंद होता है। अगर आपको उच्च रक्तचाप की समस्या है तो आंवला जरूर खाएं। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।